बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर कई एक बार रूम जो होता है 70.2 मीटर नहीं होता है, फिर भी हमें कई बार इग्गू सुनाई देता है, तो ये भी एक केस है। तो इस चीज को भी समझाने के लिए एक डायग्राम लाया गया है। क्वेश्चन ये है कि देखिए कई बार क्या होता है हमारा कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद भी इग्गू आता है। अब फ्रेंड्स जैसे कि हम यहाँ पर है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ पर हमारा डिस्टेंस 70.2 मीटर नहीं है, उससे कम है, राइट, मान लीजिए उससे कम है, तो फिर भी बच्चे बोलते हैं कई बार वहां भी इग्गू सुनाई देता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब हम खड़ा होकर बोलते हैं तो हमारा साउंड क्या होता है, इस डायरेक्शन प्रोपेगेट करता है, फिर यहाँ से वो यहाँ चला आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, और यहाँ से यहाँ, ये पूरे पाथ जो कवर करता है वो पाथ कितना हो जाता है 70.2 मीटर। तो इस पाथ कन्वर्जन की वजह से भी कई एक बार होता है हमें सॉफ्ट इको सुनाई देता है, बहुत हल्का लेकिन सॉफ्ट इको सुनाई देता है ना। तो इस केस को क्लियर करने के लिए इस डायग्राम को लाया गया, जिस बात को हो सकता है आप ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा, है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या, देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए, रिवाइब्रेशन के केस को थोड़ा मैं सोच रहा क्यों ना मैं अच्छा से क्लियर कर लूं इन चीजों को एक बार, है ना। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सोर्स है, राइट, और अगर हम बात करें, मैंने कहा कि मल्टीपल टाइम जब इको हमारा क्या होता है, कंबाइन होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ इकोज कॉज सेंसेशन ऑफ वन प्रोलॉन्ग, यानी काफी देर तक एक जो गूंज जो होती है, जो सुनाई देती है, ऑफ साउंड, है ना, नोन एज रिवाइब्रेशन। तो रिवाइब्रेशन क्रिएट कैसे होता है, कई लोग पूछ रहे थे कि समझ में नहीं आया कि रिवाइब्रेशन कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट फ्रेंड ध्यान देंगे, अगर मान के चलिए यहाँ पर सोर्स है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड ने क्या करा, ट्रैवल करा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल करके फिर बाउंस बैक, फिर इधर ट्रैवल करके यहाँ आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक, फिर इधर गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक, फिर यहाँ गया, तो क्या हो रहा है, ये सारा क्या आ रहा है, इको बन रहा है, और सारे इको क्या हो रहा है, एक जगह पे आके कंबाइन, ये सारे क्या हो रहा है, सोर्स यहाँ पे लिसनर के पास क्या हो रहा है, कंबाइन हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि एक बहुत ही लॉन्ग टाइम का, है ना, मतलब एक हमें गूंज सुनाई दे रही है, जबकि हमारा जो सोर्स है वो क्या हो चुका है, साउंड को प्रोड्यूस करना बंद कर चुका है। तो इस केस में रिवाइब्रेशन जो गूंज सुनाई देती है लंबे समय तक, है ना, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज द केस ऑफ रिवाइब्रेशन, ठीक है। वी यूज साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, अगर हमें रिवाइब्रेशन से बचना है, कई लोग बोलते हैं कि रिवाइब्रेशन से हम कैसे बचेंगे, तो साउंड ऑब्जर्विंग जो मटेरियल होता है उसे लगा सकते हैं, जैसे कर्टेंस हम लोग लगा सकते हैं, है ना, सच एज चिक्स कर्टेंस, पर्दा लगा सकते हैं, ठीक वाला, वो पतला वाला नहीं, जिस जो हेवी वाला आता है, आप किसी भी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो या उसमें या किसी भी तरह का, मुझे अगर मैं कहूँ, अगर जो साउंड ऑब्जर्विंग हॉल होता है बेसिकली, उसमें अगर जाएंगे तो वहां पे लगा हुआ होता है जो हेवी वाला, ठीक वाला जो कर्टेंस होता है वो लगा हुआ होता है बेसिकली, ठीक है। एक्वाटिक्स फोम लेके, एक्वाटिक्स फोम मार्केट में मिलता है, वो बेसिकली वो स्पंज जो होता है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, गद्देदार जो होता है वो, उसका बना हुआ होता है बेसिकली वो, ठीक है। या फिर उलेन कारपेट आता है, हाँ उलेन कारपेट भी बहुत सही होता है, वो भी साउंड ऑब्जर्विंग बहुत अच्छा से करता है, ठीक है। तो ये सब ले सकते हैं हम अवॉइड करने के लिए रिवाइब्रेशन को, है ना, रिवाइब्रेशन से बचने के लिए हम इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। ओके वी आर गोइंग नेक्स्ट स्लाइड्स, वी हैव नॉइज। हाँ फ्रेंड, हमारा जो रिवाइब्रेशन और इको के बाद एक पॉइंट है नॉइज, तो इट मस्ट बी, मैंने सोचा कि इसको भी क्लियर कर ही लिया जाए, है ना। नॉइज को कई बार हमने पोल्यूशन के रूप में सुना है, नॉइज पोल्यूशन, है ना। चलिए ध्यान देते क्या होता है, अनवांटेड साउंड, है ना, अनवांटेड मतलब आप किसी किसी को भी नॉइज पसंद नहीं है, किसी को भी, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी नॉइज पसंद होगा, लाइक करते कि हाँ नॉइज में पसंद है, आई थिंक कोई नहीं करता, ठीक है। अनवांटेड साउंड, अनप्लीजेंट, है ना, अनप्लीजेंट, अजीब सा, इरिटेटिंग होता है, लाउड एंड अनडिस्टिंग्विशेबल। अनडिस्टिंग्विशेबल कहने का क्या मतलब है कि उसमें से आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब क्या कहना क्या जा रहा है, उसमें बोला क्या जा रहा है, क्योंकि कई बार आप देखिएगा जब नॉइज क्रिएट होता है, इवन इवन आप अपने क्लासरूम में, या इवन आप ट्रैफिक में हो, या इवन कहीं भी हो, तो बेसिकली, या फिर कई बार होता है कि बहुत सारे अलग अलग साउंड बॉक्स से अलग अलग तरह के म्यूजिक जो बजते हैं, तो आपको क्लियरली सुनाई नहीं देता कि कौन सा म्यूजिक है, कौन सा रिदम है, या कौन सा लिरिक है, चीजें काफी कंबाइन हो जाती है और इरिटेटिंग हो जाती है, और इंटरफेरेंस विद द हियरिंग ऑफ साउंड समटाइम्स, है ना। अब कई बार हमें चीजों को सुनने या समझने में भी प्रॉब्लम, मतलब दिक्कत, कई बार ट्रैफिक में होते हैं जब, या बात फोन पे कर रहे होते हैं, कोई हॉर्न पी पी कर दे या ऐसा कुछ, तो मतलब आपको तो एक सुनाई नहीं देता, ऊपर से इरिटेशन जो होता है वो, मतलब एक अजीब सा गुस्सा आता है आपको, ठीक है। तो इंटरफेरेंस विद द हियरिंग ऑफ साउंड, है ना, इंटरफेयर करता है साउंड को सुनने में। द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है साउंड को लेकर वो क्या है, इस चीज को भी ध्यान देंगे। तो पहले तो नॉइज को हम समझ लेंगे कि नॉइज है क्या, ठीक है, ये डिफिनेशन लिखिएगा आपका, इट मस्ट बी क्लियर, इसमें सारे जो बेसिकली जो कंटेंट है, जो बातें हैं, उस चीज को कवरअप किया गया है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम जो होता है नॉइज पोल्यूशन या साउंड को लेकर, सबसे बड़ा तो हियरिंग लॉस है ना। हियरिंग लॉस क्या है, मतलब आप अगर हाई नॉइज पोल्यूशन एरिया, या जो इंडस्ट्रियल या ट्रैफिक एरिया जो होता है, या जो क्या बोलते हैं उसको, जो
हेबिडेंसिड या जहाँ होता है ना, वहां पे ये सारी चीजें बहुत मतलब हीवी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपने आप में, ठीक है। या फिर इवन सबसे ज्यादा इरिटेटिंग मुझे करता है जो साउंड है बेसिकली, वो क्या बोलते हैं हेवी साउंड जो बहुत सारे व्हीकल्स में लगा हुआ होता है। बेसिकली गवर्नमेंट का रूल है उसका कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर कि भाई नॉइज पोल्यूशन कहीं ना कहीं जो कहा भी जाता है कि 45 से लेकर के ऑलमोस्ट 50 और 55 मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन मैंने कई सारे व्हीकल्स में देखा है कि 55 और 60 डेसिबल से एवव, डेसिबल से यूनिट टू मेजरिंग साउंड, उससे एवव तक का लोगों ने हॉर्न या स्पीकर लगा रखा है, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, सबसे फर्स्ट है हियरिंग लॉस, हमें सुनाई कम, सेकंड है हाई ब्लड प्रेशर। अब जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा भाई, क्यों आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकता है उस नॉइज से, ठीक है। और उससे हमारा हार्ट प्रॉब्लम बढ़ेगा, हार्ट बीट या हार्ट अटैक, आप लोग सुनते हैं कि हॉस्पिटल के पास में मना किया जाता है ना। फिर उसके बाद होता है हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर, हमारी नींद की कमी, हमारे सोने में जो हमारी जो क्या बोलते हैं ट्रबल जो होता है, इसी वजह से गवर्नमेंट का रूल है कि नाइट आवर में आप 45 डेसिबल से मैक्सिमम साउंड में चीजें आप नहीं बजा सकते, आप उससे अधिक साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन अपना तो सभी को पता है ना, हम लोग कितने लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, क्या करते हैं ना। फिर है हमारा स्ट्रेस, हमें तनाव होता है। फिर एनजाइटी, एनजाइटी और डिसऑर्डर मतलब एक बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल या एक क्या बोलते हैं स्ट्रेसफुल या तनाव जैसा पूरा जो है चिड़चिड़ापन, है ना, एक डिसऑर्डर हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है ये पता नहीं किसी इंसान का स्वभाव ऐसा हो गया है या कोई इंसान चीज, तो कहीं ना कहीं इस सबका भी गहरा प्रभाव है हमारे डे टू डे लाइफ में, है ना। हम ध्यान देंगे इन सब चीजों का। नेक्स्ट है हमारे पास वी कैन रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। अच्छा, हम नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, ये भी नोट करना जरूरी है। फर्स्ट सबसे बहुत अच्छी पॉइंट है प्लांटिंग ट्री, जो NHAI करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देखिएगा, वो प्लांटिंग पे बहुत अधिक ध्यान देती है, या स्टेट गवर्नमेंट भी प्लांटिंग करती है, तो उसके सबसे बड़ी पॉइंट कहीं नॉइज पोल्यूशन का कंट्रोल करना भी होता है, ठीक है। सेकेंड ये हो गया यूज लेस हॉर्न वाइल ड्राइविंग। और हम जब ड्राइव करते हैं बहुत सारे लोग का आदत होता है मतलब कुछ होना पे 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 पे, मतलब क्या मतलब कहने का क्या मतलब है ना। तो जब भी हम जब जरूरत हो तभी हॉर्न बजाए और इजली ड्राइव करें, ठीक है, तो कम से कम है ना नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस करें। सेकेंड ये कि इंडस्ट्री जो होता है शुड बी शिफ्टेड फार फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, है ना। इंडस्ट्रियल हर सिटी या हर जो होता है वहाँ गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल के लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप कर रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को शिफ्ट करना चाहिए, कहीं भी रेसिडेंशियल एरिया के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है बहुत सारी मशीनरी बहुत सारी इक्विपमेंट चलती है, तो वो बहुत अधिक नॉइज प्रोड्यूस करती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फॉलो द लिमिट ऑफ नॉइज लेवल, हमें जो गवर्नमेंट ने जो ये देखिए रेड मार्क किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, फॉलो द लिमिट ऑफ नॉइज लेवल, नॉइज लेवल का जो लिमिट है जो गवर्नमेंट ने बना रखा है ना, उसे फॉलो करें, ठीक है। जो कि 55 डेसिबल है डे के लिए, डे आवर में मैक्सिमम 55 डेसिबल रख सकते हैं, नाइट आवर के लिए है 45 डेसिबल इन नाइट, ठीक है। और इस चीज का टेक केयर मतलब ध्यान रखिए सेंसिटिव एरिया, सेंसिटिव एरिया क्या होता है, जैसे ICU हॉस्पिटल की एरिया होती है या कोई बहुत सारी जो प्रोहिबिटेड एरिया होती है जहाँ लोगों को जाना मेनली बना होता है, ठीक है, तो उन सारे एरिया में बेसिकली इन चीजों का ध्यान रखें, है ना। और गवर्नमेंट ने या अगर हॉस्पिटल ने या अगर किसी ने अगर वहां पर लगा रखा है कि नो हॉर्न, तो उसकी रिस्पेक्ट करें, है ना, उन चीजों को समझे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन हमारे पास आ गया है ना, इस चीजों को समझेंगे। फर्स्ट बात यह है कि आप सभी को पता है कि कोई भी जो हमारा स्ट्रिंग है हमारा गिटार जो है, ठीक है, या हमारा कोई भी स्ट्रिंग होता है, जब भी हम उसको क्या करते हैं स्ट्रेच करके जब भी उसको प्लिक प्लग करते हैं, तो प्लग करने से क्या होता है वो वाइब्रेट करना शुरू होता है ना, अपने पोजीशन टू एंड फ्रो, है ना। वाइब्रेशन से क्या होता है हमें साउंड सुनाई देता है, हम सभी को पता है ना। वाइब्रेशन कई बार लोग बोलते हैं वाइब्रेशन द फादर ऑफ साउंड, लोग एवं बोल देते हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे हम, तो वाइब्रेशन होता है, तो हमारा जो पेंडुलम है वो भी तो अपने पोजीशन से टू एंड फ्रो, है ना, आगे और पीछे, वो भी तो अपने पोजीशन चेंज कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी साउंड हमें क्यों नहीं सुनाई देती है, अगर ये क्वेश्चन कोई आपसे पूछे, है ना, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। रीजन क्या है क्यों नहीं सुनाई देती है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी क्या है ज्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बहुत कम है, जो हमें सुनाई नहीं देती है, तो हमारी जो जो ऑडियोबल रेंज है जो हमें सुनाई देती है जो रेंज है हमारी, वो रेंज क्या है, हम ध्यान देंगे 50 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज तक, है ना, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, है ना। अब हम बात करेंगे 20,000 हर्ट्ज से कम क्या हमें सुनाई देगा, तो हमारे लिए वहां पर ऑडियबल साउंड नहीं है, या 20,000 से अधिक तो वहां पर भी हमारे लिए ऑडियबल साउंड नहीं है,
तो हमारी जो ऑडियबल रेंज है वो रेंज कितने के बीच है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अब पूछेंगे हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज इज द यूनिट टू मेजर फ्रीक्वेंसी, है ना, आप इसके विषय में बेहतरीन जानते होंगे। एक बड़ा अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो चाइल्ड जो होता है, मोस्ट ऑफ मैंने बहुत सोचने और रिसर्च करने के बाद इस चीज के विषय में पता किया, तो मुझे ये लगा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए। जो बच्चे होते हैं ठीक है, उसकी जो हियरिंग पावर होती है बाई बर्न जिसमें कहा जाता है, तो उसकी हियरिंग पावर बहुत अधिक होती है, ऑलमोस्ट जो हमारा रेंज है 20,000, उससे भी कहीं अधिक कुछ बच्चों के केसेस में देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 25,000 हर्ट्ज तक की केस है यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर आ रहा है ठीक है, जो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जो जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं, तो हमारी लिसनिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है, सुनने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आज इस बात को मैंने बहुत सेंसिबली लिया, इसके पीछे रीजन ये है कि कई एक बार हम लोगों से, जैसे बूढ़े लोगों से मिलते हैं, तो क्या बोलते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देता है। कहीं ना कहीं कल हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी नॉइज पॉल्यूशन से जो हम सफर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी तो जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई है, हेडफोन वाली टेक्नोलॉजी, तो लोग इतना अधिक कान में प्लग इन करके रखते हैं, जिससे मुझे लगता है कि उनका तो 30 या 35 की एज तक उनका जो ईयर है वो डैमेज हो जाएगा कहीं ना कहीं ठीक है। सो वी हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, है ना, तो फर्स्ट वी नो। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 20 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड। आप लोग जाते हैं ना मेडिकल में, डॉक्टर बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो दिस इज द अल्ट्रासाउंड जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है ना। अच्छा, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कौन करता है, डॉल्फिन नाम की मछली, सभी जानते हैं, है ना, फ्रेंड्स मछली होती है हमारी, है ना, ह्यूमन फ्रेंड भी कहा जाता है उसको, बैट्स, बैट्स मतलब जानते हैं चमगादड़ होता है ना, वही होता है। फिर सोनार टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, सोनार टेक्नोलॉजी क्या होता है, सोनार टेक्नोलॉजी होता है बेसिकली जो आपका जो शिपयार्ड जो जहाज होते हैं, है ना, या जो सबमरीन्स होती है उसके अंदर डिप्थ या किसी भी चीज को डिटेक्ट करने के लिए, समुद्र कितना गहरा है ना, इन चीजों को डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको सोनार टेक्नोलॉजी कहते हैं ठीक है। अब बात करें इंफ्रासोनिक साउंड, जो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है उसको क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक, जैसे हम लोग ने लाइट के विषय में पढ़ रखा है ना, इंफ्रा रेड, है ना, लिख लाइक दैट, इंफ्रासोनिक, है ना, इंफ्रा साउंड, इंफ्रा साउंड भी कहते हैं ठीक है इसको। अच्छा, इंफ्रा साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, सबसे कम जो अब कन्वर्सेशन जो आप आपस में बात करते हैं वो एलिफेंट्स है हमारा, या हमारी बेल मछली है, या हमारा जो राइनो है ना, राइनोसेरस गेंडा जिसको बोलते हैं, है ना, या एक सिंह वाला गेंडा भी अपने यहाँ पाया जाता है, तो ये सारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं 20 हर्ट्ज से कम, यानी इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासाउंड, है ना, और ये प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, और इसके बीच में हमारा क्या है, ऑडिएबल रेंज है। क्या है, ऑडिएबल रेंज है ना, जो हमें सुनाई देता है, हम ह्यूमन सुन पाते हैं ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को कवर अप करेंगे और हम सभी ध्यान देंगे ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इवन किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आप कमेंट करेंगे तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर पाएंगे, है ना, तभी हम आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा ठीक है।